हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि राखी आने ही वाली है कुछ ही दिनों में, तो इस बार हम बनाने वाले हैं फूड राखी, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो मैं आपको बहुत इजी वे में बताने वाली हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो मैंने ये क्ले ले लिया है, मैंने होममेड क्ले लिया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आप यहाँ से मार्केट से लाए हुआ क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे पतला लेयर बना के और इसे सर्कल शेप में कट कर लिया है। थोड़ा इसे किनारों से क्लीन कर लेंगे और अब इसे मैं एक कार्डबोर्ड में रख लेती हूँ ताकि मुझे बनाने में थोड़ा ईजी हो। और अब मैंने ले लिया एक क्ले, इसे मैं कुछ प्लेट की शेप में ले लेती हूँ और इसे सेंटर से हम थोड़ा नीचे दबा लेंगे। आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया यहाँ पे ब्राउन क्ले, जिससे मैं छोटे छोटे सर्कल बनाने वाली हूँ। इसे हम पानी पूरी का लुक देंगे और इसे सेंटर से हम फोड़ते हैं, जिस तरह से ना पानी पूरी कुछ वैसा ही कर लेते हैं। तो मैंने ये सारे सर्कल पे बना लिया है। अब हम लेंगे येलो कलर, जिसे हम ऊपर में लगा लेते हैं। आप यहाँ पे अपनी चॉइस से, मतलब पानी पूरी में जिस तरह के कलर यूज होते हैं, हम कुछ वही कलर लेंगे और इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है, ग्रीन लिया है, ऑरेंज लिया है और कुछ वाइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसे हल्का हल्का ऊपर की ओर लगा लें ताकि ये बिल्कुल अच्छा दिखने लगे। और मैंने यहाँ पे क्ले ले लिया, जिसे मैंने ग्रीन कलर कर लिया था। अब मैं इसमें ग्लू लगा लूंगी और फिर ये सारी चीजों को इसमें अरेंज कर लूंगी। तो ये मैंने प्लेट अरेंज कर ली है, पर मुझे सेंटर में थोड़ा खाली लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन और येलो कलर को और लगाती हूँ। और अब मैंने ले लिया है मौली धागा, जिसे मैं दोनों क्ले के सेंटर में लगाने वाली हूँ ताकि इसे बांधते बने। और मैंने नीचे वाले क्ले पे लगा लिया है और उसके ऊपर हम न्यू प्लेट जो अरेंज किए हैं उसे लगा लेते हैं। और फिर इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ड्राई हो चुके हैं और मैंने इसे एक साइड पे पर्ल लगा लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम पर्ल कैसे लगाने वाले हैं। मैंने ये नीडल और थ्रेड को पहले मौली में बांध लिया है और फिर मैंने कुछ पर्ल लिए है, जिसे मैं इस तरह से लगाने वाली हूँ। और ऊपर में मैंने ये छोटी पर्ल ली है ताकि बाकी जो है वो निकले ना। और अगर आपके पास छोटी पर्ल नहीं है तो आप वहाँ पर नोट भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी राखी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपसे क्ले से बनी हुई और भी राखियाँ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जिनको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। और जो जो मेरे चैनल में नए हैं जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।